दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। श्याम सिंह राणा शुक्रवार को इंद्री में नागरिक अभिनंद समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के आयोजक अनिल राणा व उनकी टीम के सदस्य ने श्याम सिंह राणा को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राणा के आयोजकों की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं तथा मीडिया कर्मियों को भी शाल देकर सम्मानित किया। श्याम सिंह राणा ने कहा कि भारत देश 1947 में आजाद तो हो गया है, लेकिन अभी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को आर्थिक लड़ाई लड़नी है। विदेशी माल की खरीदारी बंद कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए, तभी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार को विदेशियों के इशारे पर चलने वाली सरकार कहा है। कार्यकर्ताओं में कोई ऐसी बात नहीं है, कई बार वातावरण ऐसा बन जाता है कि सरकार जो है हुड्डा की सरकार नहीं बन पाई, हुड्डा के कार्यकर्ता ऐसा वातावरण बना लेते हैं। काला साहब की सोच थी मेरी बन जाएगी, उसकी भी नहीं बनी। अब दोनों मायूस और नाराज है, उसी तरह से उनका कार्यकर्ता मायूस नाराज है, वो ऐसा वातावरण बनाता है। नहीं, क्या बीजेपी की मीटिंग में इन लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? नहीं, वातावरण में कहीं ना कहीं अभी जो असर है एक दूसरे का, अब कुछ ना कुछ अब कोई अनजान आदमी प्रभावित हो जाता है किसी बात से। वो समाज है, ये समाज में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कुछ ना कुछ जब चर्चा चलती है घर में, कोई चर्चा चलती है तो बच्चा बाहर के बता देता हमारे घर में ये हो रहा है, तो ये समाज को प्रभावित करता है वातावरण, उसमें कहीं ना कहीं कोई वर्कर कार्यकर्ता इससे प्रभावित हो जाता है। इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।